मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। अभी हम जो है फिलहाल हज कमेटी के अंदर मौजूद हैं। कई हजार हाजी जो है यहाँ से हज के लिए रवाना होते हैं। इसका इंतजाम जो है हज कमेटी की तरफ से करते हैं। एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ से हाजियों को रवानगी होती है। उस रूहानी मंजर को देखने के लिए हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर जमते हैं। यहाँ का जो मंजर होता है वो हम आपको उस वक्त भी दिखाएंगे, लेकिन पिछली दफा भी आप कई सारे वीडियोस में देखे होंगे कि यहाँ का मंजर होता है उसको देखने के लिए कई हजार आदमी आते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा था हाजियों के लिए, क्योंकि बाहर जाने में जो है वैक्सीन का जरूरी होता है, तो ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा था। इस वैक्सीनेशन के ड्राइव को जो है यहाँ के जो कुछ जिम्मेदार हैं जो यहाँ पर रहते हैं हर वक्त यहाँ पर हाजियों की खिदमत करने के लिए, जैसे कि सरफराज खान हो, यहाँ के CEO हो, और नायब चेयरमैन जो हैं टिप्पू साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, मुजाहिद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और सईद भी यहाँ पर मौजूद थे, जो जमीर अहमद खान जो ये माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनके दोस्त भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जो है लंगर का इंतजाम जो है जमीर अहमद खान साहब की तरफ से होता है, और उसकी सारी निगरानी जो है और सईद भाई जो हैं वो देखते हैं। उनकी सदारत में जो है यहाँ का लंगर का सारा इंतजाम होता है। जो हुज्जाजे किराम के साथ जो भी साथी आते हैं उनके लिए यहाँ पर फ्री खाना, यानी कि 3 टाइम का भी फ्री खाना होता है। और हाजियों के लिए जो है हज भवन के अंदर ही एक हाजियों के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, हाजियों के लिए भी यहाँ पर फ्री खाना होता है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल यहाँ का मंजर कैसा है, यहाँ के जिम्मेदारों का क्या कहना है, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो है हाजियों का जो प्रोग्राम है, इनॉग्रेशन प्रोग्राम तो इस बार नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जारी में है, और 9 तारीख फर्स्ट फ्लाइट जो है 9:25 को सुबह फर्स्ट फ्लाइट है यहाँ से, तो इंशाल्लाह सुबह 5 बजे 5:30 बजे हाजी यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। सर, दिन में कितनी फ्लाइट्स हैं? 9 तारीख से 25 तारीख तक है। एक दिन में 2 फ्लाइट्स हैं, एक दिन में 3 है, एक दिन में 4 है, इस तरह का है। और जहाँ 4000 फ्लाइट्स हैं वहाँ पर जो है लोगों को अकोमोडेशन करने का, लास्ट टाइम 2 साल पहले जो दिक्कत आई थी उस तरह का दिक्कत आने के चांसेस थे, इसके लिए हम लोगों ने बैठ के शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें हम लोग जब बाहर के हाजी ज्यादा आते हैं तो बैंगलोर के हाजी भी लगाएं, सो दैट बाहर के हाजी यहाँ आराम से यहाँ पर रहें, बैंगलोर के हाजी जो है जिस दिन डिपार्चर है उसे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करके हज के डिपार्चर के दिन आएंगे, तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा इसमें सब्र चाहिए क्योंकि क्या है, पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की, इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं डिसीशन नहीं है इसका, ये नहीं है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया। मैं खुद बॉम्बे जाकर उनको रिक्वेस्ट करके आया, तो वो फ्लाइट के शेड्यूल्स वो खुद बना रहे हैं, वो भी दिल्ली में थे हज कमेटी इंडिया के ऑफिसर्स भी, अभी कम्युनिकेट हम लोग कर रहे हैं, अभी चालू हो गया, ऑलरेडी लोगों को मैसेज आने लगा है। बहरहाल हर टाइम जो है एटलीस्ट 15 दिन पहले तो ये लोग हाजियों को बताते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों शायद हज कमेटी ऑफ इंडिया में पूरी नई टीम आई है, तो इसके लिए थोड़ा उधर डिले हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन इंशाल्लाह आज या कल में पूरे लोगों को अपना शेड्यूल मिल जाएगा। कोई नजरअंदाज नहीं है, किसी मेंबर को किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद अपनी खुशी से आए हैं, इसमें ये बेकार बात है, हमको बुलाएंगे तो वो भी खुद आएंगे, अभी वो आए हैं अपनी चाहत से आए हैं, उनको पता ही नहीं, हम लोग पता तो जरूर आते हैं, ये क्या है, ये मेंबर होकर नहीं आए, ये लोग वॉलंटियर्स बोल के आए हैं, यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, जमाने से ये चेहरे तो हमेशा रही है, हज कैंप जो 20 साल से चल रही है ये चेहरे हमेशा आ रही है, कोई हज कमेटी के मेंबर नहीं है, क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ हज कमेटी, हम लोग खादिमुल हुज्जाज हैं, खादिमुल हुज्जाज के हिसाब से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब बुलाएंगे तो जरूर सब जरूर आएंगे, सब एक टांग में खड़े हैं कि आप बुलाइए, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन होना है, कमेटी फॉर्म होना है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ है बस। तो देखिए रहीम खान साहब लास्ट टाइम के पूरे प्रोग्राम में आए थे,
लास्ट टाइम के प्रोग्राम में पूरे प्रोग्राम से वो आए थे, इस बार वो कैनवासिंग में है, वो यहाँ के नहीं है, वो बिदर के हैं और वहां पर वो अपनी खिदमत वहां पर कर रहे हैं, बिदर में है एज ए पॉलिटिशियन है, उधर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हर दिन मुझे बात करते हैं, दिन में 3 या 4 बार मेरे से बात करते हैं वो मेरे से, और हर दिन का रिपोर्ट लेते हैं, मैं उनको वीडियोस भेजता हूँ, सब भेजता हूँ, जो हर दिन का वो ले रहे हैं, हर दिन मुझे टच में है। दोनों भी हज मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर दोनों मेरे रेगुलर टच में हैं। वो अभी तो आपको जानते हैं कि जो इलेक्शन का सिलसिला चला है तो अपने अपने कैनवासिंग में है। सर बताइए, हज 2024 जो है शुरू होने वाला है, क्या तरतीब है, किस तरह से जो है तब प्लानिंग रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो तरतीब है वो तरतीब में इजाफा भी होएगा। इस बार जैसे आप तमाम जानते हैं कि नई हज कमेटी फॉर्म हो के, जिसके अंदर मैं हूँ, हमारे मुजाहिद भाई हैं, 16 मेंबर्स नए हुए हैं, हमारे मुसलसल मीटिंग्स हो रहे हैं, जो भी कहीं भी थोड़े बहुत जो लैप्सेस थे हमारे सरफराज साहब, हम हज कमेटी मेंबर्स हम बैठ के उसको सेटरेट किए हैं और थोड़ी चीज़ें बाकी हैं वो इंशाल्लाह 9 तारीख को जो फर्स्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है उससे पहले जो भी छोटे मोटे चीज़ें जो बाकी रह गए वो पूरे इंशाल्लाह कम्प्लीट होएगा। कल और आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, 4,200 जज इकराम को वैक्सीन दिए हैं बैंगलोर और बैंगलोर रूरल के जज इकराम। सर इस बार कहीं ना कहीं लगता है सीएम आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम को ये कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है, तो इनॉग्रेशन के लिए सीएम और कौन आएंगे सर यहाँ पर? नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम करने मना कर, हम लेटर डाले थे हमारे ईओ साहब, तो उसके तहत सीएम और ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं कर सकते बोल के, ये तो इस मरतबा हमारा फंक्शन नहीं होएगा, बल्कि फ्लाइट जो फर्स्ट फ्लाइट है उस फ्लाइट में ही फ्लैग होस्टिंग हमारे लीडर्स जो जमीर अहमद साहब है, रहीम खान साहब है और हमारे पूरे मेम्बरान रहेंगे। अभी हम उम्मीद रख रहे हैं और एक थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद रख रहे हैं। कहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? पूरे कर्नाटक से आ रहे हैं जी, एम्बार्केशन पॉइंट बैंगलोर है। चेयरमैन जो है पूरे मेंबर्स हैं, पूरे खिदमत कर रहे हैं, पूरे हम लोग जमाने से खिदमत करते आ रहे हैं, हमारे मुजाहिद भी हैं, मैं हूँ, दूसरे साथी भी जो जमाने से हज कमेटी में काम करते आ रहे हैं हमें पूरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम को चाहे कमेटी रहे या ना रहे, अल्लाह का काम जरूर कयामत तक ये काम चलेगा, चाहे कोई रहे या ना रहे, ये हाजियों का काम ये सिलसिला चलता रहे। अल्लाह के करम से पूरे ऑफिशियल्स जो हज कमेटी के हर साल से जो जब से हज कमेटी स्टार्ट हुई है तब से लेकर लगातार आज तक जो भी काम कर रहे हैं उस खिदमत के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है, और उसी के साथ साथ ऑफिशियलों के साथ साथ इस मरतबा 16 मेंबर्स बनकर उनके खांदे से खांदा मिलाकर हाजियों की खिदमत में कोई बाल बराबर कमी ना हो उसकी निगरानी में लगे हुए हैं, और ऑफिशियल जितने भी हैं हज कमेटी के उन लोगों ने भी हमें कुछ ना छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर हम लोगों को भी काम पे लगाया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ साथ टीकू भाई हो, सईद भाई हो और मैं और मुजम्मिल बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने पूरे अपने कामों को छोड़कर खासकर हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं ये सोच करके हमारी आखिरत बन जाए, दूसरा इसमें कोई मुफात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कोई भी चीजें कोई कमी नजर आए आप लोगों को भी, क्योंकि 10 से 10,500 हाजियां आते हैं, उन लोगों को छोड़ने में कम से कम रोज 25,000 लोगों का काफिला आता है, उन लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कहीं कोई कमी रह जाएगी तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं आप लोग वो कमियों को हमारे हमारे कानों तक पहुंचाए, इंशाल्लाह वो कमी को हम दूर करने की पूरी कोशिश। बताइए सर, हर बार की तरह आपकी तरफ से यहाँ पर लंगर लगता है तो इस बार भी लंगर लगेगा? अस्सलाम वालेकुम। हर साल जिस तरह से गुज़िश्ता साल उसके पहले साल जो लंगर है जो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है हाजियों को हज हाउस से लेके जाके एयरपोर्ट में छोड़ना, उनका लगेज लेके जाके एयरपोर्ट में पहुंचाना, और जो लंगर है हमारे जमीर अहमद खान की तरफ से जो हमें जो जिम्मेदार हैं मई टीपू भाई हमारे मुजाहिद भाई जो गुज़िश्ता साल करें मजमा उससे ज़्यादा है और बेहतर करने के वास्ते जमीर अहमद खान भी बोले हमें भी अच्छी बेहतर और करने के लिए जद्दोजहद कोशिश कर रही है। लंगर तीनों टाइम रहेगा सर? तीनों टाइम रहेगा, फ्री रहेगा, फ्री लंगर 7 तारीख से इंशाल्लाह, 2 दिन पहले से लंगर शुरू होता 25 तारीख तक रहेगा, क्या उसमें कोई नहीं अच्छे बेहतर जो
हर हमेशा जो खा रहे अच्छी से अच्छा वही खिलाएंगे। 10,500 हाजी आ रहे हैं तो उनके जो भी फैमिली वाले आ रहे हैं जी के लिए जो है लंगर फ्री रहे। जी जी अब उनके साथ में देखो दो तीन दिन पहले आती बाहर से सभी उनके साथ एक हाजी के साथ कभी 5 रहती कभी 4 रहती कभी 10 रहती तो समझो एक दिन में आके 3 टाइम भी आके 15,000 से 20,000 अदनान के ऊपर खाना ये हमारे वास्ते एक लंगर बनाए वो भी आपको बताएंगे। डाइनिंग हॉल बनाए औरतों के लिए अलग बने क्या जेंट्स के वास्ते अलग बने और वॉलंटियर को भी सबके वास्ते भी इंतजाम करें ताकि किसी को भी खाने पीने की तकलीफ ना हो। ये फ्री लंगर जमीर अहमद खान की तरफ से अपने खुद के पैसों से हमारी जिम्मेदारी में वो लंगर चलता है इंशाल्लाह।